इमली मैंने 5 घंटे सारी रात मैंने भिगो दी थी और इसकी अब गुठलियाँ निकालेंगे। ये रात से भिगोई हुई है, इमली नरम हो गई है बिल्कुल, खुद ही निकल उतर रहे हैं, हाथ मार रही है, देख कुटी हैं इसकी। खुद खुद गुटियाँ हाथ में आ रही हैं इसकी। उसमें मैंने पानी डाले, ये मैंने ज़ीरा डाला है, अब ये अजवाइन डाल रही हूँ। ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है इमली, ये क्या मैंने गुड़ डाला है, ये गुड़ डाल रही हूँ। ये मसाले हैं सारे जो मैंने आपको लोगों को बताए हैं, नमक है, चिली पाउडर है, ब्लैक चिली है, इलायची पाउडर है, दालचीनी पाउडर है, अदरक है, लहसुन है, इनके पाउडर हैं ये लहसुन अदरक के, और नमक, काला नमक है, काला नमक इस्तेमाल करा करें, काले नमक से बंदा मोटा भी नहीं होता। दूसरा नमक हम खाते हैं सफ़ेद वाला, तो वो जिस हमें पानी बनाते हैं, तो ये काले नमक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, खानों में भी ब्लैक नमक इस्तेमाल करें, मैं तो खानों में भी ब्लैक नमक ही इस्तेमाल करती हूँ। ये इसमें ना मैंने डाला है लहसुन और अदरक डाला है, नहीं लहसुन और ज़ीरा और अजवाइन डाली है, और फ्रेश लहसुन डाला है, ये देखिए नीचे फ्रेश लहसुन है, तो इसको ना मैं इसमें रख दूँगी,
और इसमें आस्ता आस्ता इसकी जायका इसमें जाता रहेगा, इसमें पकता रहेगा। इस तरह अगर आपके पास ये ना हो तो एक मलमल का कपड़ा ले लें, उसकी कोई भी कपड़ा ले लें, उसकी पोटली बना लें, उसमें लहसुन डाल दें, ज़ीरा डाल दें, अजवाइन डाल दें और वो पोटली इसमें रख दें, इमली की चटनी में रख दें, तो इसका इसकी स्मेल और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा जायका आता है। साबुत ज़ीरा डालेंगे और वो डालेंगे तो वो मुँह में आएगा। चलें अब ये पक रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने मज़े का कलर आ रहा है इमली की चटनी का। ये तकरीबन बस तैयार हो गई है इमली की चटनी, देखिए